हेलो दोस्तों, अगर आपने गलती से अपने SNB बैंक के अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जो है भेज दिया है इंटरनेशनल, तो कैसे आप उस पैसे को आप अपने अकाउंट में रिटर्न कैसे मंगा सकते हो, ट्रांसफर को कैसे कैंसिल कर सकते हो, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन में SNB का क्विक पे ऐप को ओपन करना है। ओपन होने के बाद यूजर नेम पासवर्ड डालना है, जो है लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे जो है जो कोड आता है वो डाल दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया। उसके बाद जो है मेरा अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपने क्विक पे अकाउंट से अगर किसी दूसरे कंट्री में भेजे होंगे, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसके नाम पे आपने गलती से पैसा भेजा है, तो यहाँ पे आपको क्विक पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिएगा। और जिसका नाम पे आपने गलती से पैसा भेजा है ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है, तो उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है लोडिंग लेता है। उसके बाद देखेंगे कैंसिल ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने गलती से पैसा किसी के अकाउंट पे भेजा है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने सही अकाउंट पे भेजा है, मैं आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो को बनाया। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपके अकाउंट में कुछ टाइम के बाद जो है पैसा आ जाएगा।